दोस्तों, आज मैंने इनको कंपनी का एक मिनी ग्राइंडर मंगवाया है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत काम आता है। अपना किसी कार्बिन का घिसाई करना हो, कोई भी मंदिर का नक्शी काम हो, कोई इमारत हो, कोई पत्थर का भी कार्बिन घिसना हो तो उसमें बहुत सारा काम आता है। और इसमें ये सारे टूल्स आते हैं जो हर कारीगर के अलग अलग काम के हिसाब से आप लगा सकते हो। ये बफिंग पैड है जो आप कहीं पे पॉलिश शाइनिंग करनी है तो उसको लगा के ये कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो ये आता है वायर, ये वायर इतना काम में आता है। आप इसमें मशीनिया के ये कुल एकदम क्वालिटी पर है, इसको ये ग्राइंडर के साथ में लगा कर इस तरह अच्छा है सेट कर दें। इसको ऐसे खोलें, आगे एक पुश बटन है उसको दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा और फिर ये वायर को आप अंदर से निकाल के इसके अंदर थोड़ा डालें। फिर बाद में इसके साथ एक टूल्स आता है उससे इसको टाइट कर दें। टाइट बराबर करें, ढीला ना रहे, लॉक को दबा के रखें। उसके बाद ये पूरा कैप उसके ऊपर लगा देना होता है। कैप आप लगा देंगे, आपका टूल्स तैयार हो जाएगा कहीं भी किसी भी कार्बिन को सैंडिंग करने के लिए। तो जो इसमें टूल्स आता है वो अपना काम के हिसाब से अगर नहीं आता है तो आप उसको बना भी सकते हैं। जिस तरह मैंने ये बनाया, एक पेपर का पीस कट किया और अपना जो टूल्स था वो थोड़ा मोटा आया था तो मैंने उसको पतले टूल्स के ऊपर पेपर फेविक्विक से चिपका दिया। अब ये बराबर चिपकने के बाद में हम इसको ग्राइंडर के वायर पे लगा देंगे जो कुछ इस तरह लग के तैयार हो गया। इसको लगाने के लिए यहाँ पे एक होल है उसमें आप ये डालकर और उसी टूल से आप टाइट कर दो। बराबर टाइट हो गया ये। अब आप मशीन को कहीं भी रख सकते हो, ऊपर लटका सकते हो। जिस तरह मैंने तो अभी ऊपर लटका दिया है क्योंकि मुझे नीचे काम करना है जो कि बहुत ही बारीक डिज़ाइन वाला काम है, तो मशीन बीच में रहेगा तो परेशानी होगी, तो इसलिए मैंने उसको ऊपर लटका के। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इससे घिसाई कितनी अच्छी और बढ़िया होती है कि आप किसी भी काम को बहुत ही जल्दी, घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हो। इसमें स्पीड वाला सिस्टम भी है, आप एक नंबर, दो नंबर से लेकर छः नंबर तक कर सकते हो। तो मैंने अभी फ़िलहाल एक नंबर पर रखा है और एक नंबर से मैं ये घिसाई करके आपको दिखा रहा हूँ। आजकल क्या है, सीएनसी वर्क को जो काम होके आता है उसमें बहुत सारे मतलब डिज़ाइन के अंदर डॉट्स रहते हैं और खड़े, मतलब उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है कि हाथ से घिसाई करो तो आप बहुत टाइम लग जाता है और उसमें हम बहुत ही लेबर लगाते हैं, बहुत खर्चा होता है, फिर भी उतना मज़ा नहीं आता है। और इस तरह का मशीन अगर आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही जल्दी वो काम आपका हो जाएगा और फिनिशिंग भी बहुत अच्छा रहेगा। मैंने ये काम लिया है, अभी अगर इसको मैं हाथ से करता तो कम से कम इसमें लगता मुझे पूरा दिन, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लकड़ी के अंदर प्रॉब्लम है। सीएनसी मशीन में जो फिनिशिंग किया है बहुत ही रफ़ एंड टफ फिनिशिंग है। अब उस रफ एंड टफ फिनिशिंग को अगर हाथ से मैं सही करता तो पूरा एक दिन एक मेरा 2x2 के पीस में लग जाता, लेकिन मशीन से आधा घंटे का या पौना घंटे का काम है इसके लिए।
तुरंत काम आपका तैयार हो जाएगा। तो दी सकेगी। तो दोस्तों अगर आप ये मशीन मंगवाएंगे तो आपको बहुत ही इसमें फ़ायदा रहेगा और काम करने में भी आपको मज़ा आएगा। और ये इसके दोस्तों आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कटिंग हो रहा है लकड़ी। और ये पेपर उसमें नहीं आया था जो मैंने हाथ से बनाया है। तो आप भी आपके काम के हिसाब से जितना आपको गोलाई वाला पेपर चाहिए, बहुत बारीक, बहुत कहीं पे जहाँ पे उंगली नहीं जाती हो वहाँ पे भी ये जाके आपका काम बहुत ही खूबसूरती से कर देगा। देखिए कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ हाथ से फिनिशिंग जल्दी नहीं आता है, आप इससे मारो बहुत ही जल्दी फिनिशिंग हो जाएगा। तो पॉलिश काम करने वालों के लिए, जो फर्नीचर को पॉलिश करते हैं, लकड़ी को पेंट भी करते हैं, तो उनके लिए तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही आसानी से कोई भी कार्विंग का जो सैंडिंग है कर सकते हैं। आपका काम बहुत ही जल्दी होगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं फिर कोई अच्छी सी जानकारी लेकर आपको वीडियो इसके बारे में बनाकर और लेके आऊँगा। और हमारे चैनल का नाम है RR पेंटर। ऐसे ही हमको कला पॉलिश पेंट वुड वर्किंग के काम में करता हूँ और मैं उसी के बारे में आपको वीडियो बनाऊँगा, किस तरह कुछ जिसके मैंने इसको तैयार किया। अब इसके ऊपर हम अपना जो पॉलिश का आगे का प्रोसेस है वो तैयार करेंगे। फिर मैं आपको कुछ अलग वीडियो इसके बारे में बना के बताऊँगा। तो मैं जो काम के लिए मशीन लाया था तो मुझे बहुत पसंद आया, और ऐसा मशीन आप भी लाओ तो आपका भी काम बहुत जल्दी होगा।